वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। जैसा दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि अभी मेरी चैनल में सीरीज ऑफ डेनिस गैम्बिट चल रही है, सीरीज ऑफ डेनिस गैम्बिट, जिसमें e4 से हम ओपनिंग करते हैं वाइट से। तीन गेम मैंने पहले वीडियो में आपको बता दी, इससे अगले वीडियो में आज हम आगे देखेंगे e4, e5। यहाँ पे आपको दो पॉन सेक्रीफाइस करना है, d4, सेकंड मूव d4, ब्लैक खेलेगा e takes d4, उसके बाद c3, d takes c3 और bishop c4। यहाँ पे आपने दो पॉन दे दिए हैं, तीसरा पॉन जब ब्लैक आपका कैप्चर करता है तो आपको बिशप से उसे ले लेना है। अब दोनों बिशप यहाँ पे किंग साइड डायगोनल में सेट हो चुके हैं। तो यहाँ इस ओपनिंग का फायदा ये है कि बहुत बहुत अटैकिंग लाइन इसमें आपको मिलती है, हर एक मूव में कुछ न कुछ अटैक मिलेगा। ब्लैक के हर एक रिप्लाई के सामने आपके पास इतना जबरदस्त काउंटर मिलेगा इसमें कि आप सभी गेम देखने के बाद प्रॉपर डेनिस गैम्बिट खेलने लगोगे। यहाँ पे आफ्टर बिशप b2 bb4 चेक, ये वेरिएशन हमने देखा था लास्ट वीडियो में, उसमें कुछ आगे देखते हैं। bb4 चेक में knight c3, मैंने दो बताए थे, knight d2 और knight c3, दोनों वेरिएशन से आप खेल सकते हो। knight c3 में ब्लैक खेलेगा knight f6, यहाँ ng e2 और knight cross e4, यहां आपको करना है कैसल। कैसल के बाद एक और सिंप्लीफाई मूव knight takes c3। ब्लैक चाहेगा कि जल्दी से जल्दी बहुत पीसेस एक्सचेंज हो जाए, यहां आपको knight takes c3 करना है और ब्लैक खेलेगा bishop takes c3 और आपको भी bishop takes c3 करना है। यहां पे queen g5 अगर पहले आता है, दोस्तों इससे पहले वाले गेम में हमने सेम ये पोजीशन देखी है। पोजीशन में डिफरेंट ये है कि इससे पहले वाले गेम में ब्लैक ने पहले कैसल कर दिया था, तब हम अपना queen g4 यहाँ पे ला चुके थे, लेकिन इस गेम में ब्लैक ने पहले ही queen g5 कर दिया है। तो यहाँ पे हम कैसे अटैक डेवलप करें, queen g4 इसमें आपको करना है queen g5 के सामने rook e1 चेक। आफ्टर rook e1 यहां पे king d8, white to play। अब आप कैसे कंटिन्यू कर सकते हो अटैक को, आपको white से अटैक कंटिन्यू करना है, लेकिन ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि किंग ऑलरेडी सेफ हो चुका है और माइनर पीसेस ज्यादा से ज्यादा मतलब एक्सचेंज हो चुके हैं और ब्लैक ने हमारे तीन पॉन भी फ्री में मार दिए हैं। एक पॉन हम तुरंत रिकवर कर सकते हैं लाइक bishop takes f7, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है। इसमें आपको मिडल गेम के जो चैप्टर्स है, मिडल गेम के बारे में हम बाद में देखेंगे, बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, 20 जितने चैप्टर्स है उसमें, जिसमें पिनिंग, नाइट फॉर डिस्कवर अटैक, डिस्ट्रॉइंग द डिफेंडर, डिकोइंग, डिफ्लेक्शन। आज मैं बता रहा हूँ डिकोई, यानी कोई पीस हमें वहां से हटाना है तो कुछ सेक्रीफाइस करते हैं। जैसे कि मुझे क्वीन को ये स्क्वायर छुड़वाना है तो मैं h4 करके उसे सेक्रीफाइस करके क्वीन को वहां से हटवाऊंगा। queen takes h4, अब क्वीन यहां से डाइवर्ट हो गई दूसरी जगह पे। उसके बाद bishop takes g7, rook g8, ये नेचुरल मूव है rook g8, क्योंकि rook f8 नॉट पॉसिबल और rook e8 ये भी थोड़ा इतना नहीं है, तो rook g8 अच्छा मूव है यहाँ पे। आफ्टर rook g8 अब बेस्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों, सबसे बढ़िया वीडियो पोस्ट करके 2 मिनट आपको आंसर देना है। ओके, यहाँ पे मेरी तरफ से बेस्ट ऑप्शन है queen g4, सैक्रिफाइस योर क्वीन। अब देखो यहाँ पे queen takes queen नॉट पॉसिबल क्योंकि वन मूव मेट है bishop f6 चेकमेट। तो ब्लैक इसका रिप्लाई कैसे देगा, अगर आपने queen g4 किया है, बहुत टेक्टिकल लाइन है दोस्तों, डेनिस गैम्बिट बहुत ही टेक्टिकल है, हर एक मूव में आपको सैक्रिफाइस मिलेंगे। तो यहाँ ब्लैक रिप्लाई देगा queen h6,
काउंटर रिप्लाई है, वो भी चाहता है कि आप मेरी क्वीन मारो और मैं आपकी क्वीन ले लूंगा, इक्वल गेम हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास बेस्ट ऑप्शन है बिशप f6 सेक्रीफाइस द चेक, और यहाँ पे मेट इन टू है आफ्टर क्वीन टेक्स f6 क्वीन टेक्स g8 चेकमेट। तो दोस्तों कैसी लगी गेम कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताना। दूसरी गेम देखते हैं, चलिए e4 e5 d4 e takes d4 c3 d takes c3 और बिशप c4 पॉन टेक्स पॉन बिशप टेक्स b2 नाइट c6। ब्लैक ने इस बार थोड़ा मूव चेंज किया है, वो सिंप्लीफाई में जल्दी नहीं मानता कि सिंप्लीफाई करने जाने में हमारा डेवलप नहीं रहता इसमें, तो ब्लैक इस बार नाइट c6 खेल के देखते हैं। व्हाइट से आपको खेलना है नाइट f3। दोस्तों सिसिलियन मोरा गैम्बिट में मैंने मेरे वीडियो में बताया कि जब भी ब्लैक नाइट c6 खेलता है तो उसके रिप्लाई में नाइट f3 आना जरूरी है। ऐसे बहुत सारे लाइंस हैं जिसमें नाइट c6 के सामने नाइट f3 ही बेस्ट मूव है। नाइट f3 के सामने ब्लैक यहाँ पे खेल रहा है क्वीन e7 वाइट कैसलिंग, ये पॉन सेक्रीफाइस करना है, ये नहीं ले सकते क्योंकि रूक से क्वीन पिन में हो रहा है। यहाँ पे ब्लैक डेवलप में ध्यान देगा d6, व्हाइट नाइट c3। आइडिया बिहाइंड दिस मूव नाइट d5, तो नाइट d5 का प्लानिंग है यहाँ पे। ब्लैक यहाँ पे बिशप g4 पिनिंग योर नाइट, इसमें हमें रिप्लाई देना है qb3, अपना कैसल ब्रेक का प्लानिंग है। बिशप टेक्स f3, खुद का ही कैसल हम ब्रेक करवाना चाहते हैं, पर यहाँ पे भी थ्रेट है क्वीन b7, इसीलिए ब्लैक लॉन्ग कैसल कर रहा है और पूरा डिफेंस हो गया ब्लैक के पास। लेकिन अभी भी हमारा अटैक कंटिन्यू है नाइट d5 से क्वीन d7, यहां पे आपको खेलना है नाइट d4। अब पीस एक्सचेंज नाइट इंटू d4 नहीं कर सकते, नाइट g e7। यहां पे नाइट b5, ब्लैक a6। अब यहाँ पे आपको वीडियो पुश करके 2 मिनट सोच के आंसर देना है। नेचुरल मूव तो यही है नाइट b क्रॉस c7, नाइट इंटू d5। ब्लैक चाहता है कि इतना अटैक कम हो जाए, नाइट एक्स d5। अब नेक्स्ट मूव में नाइट b6 फॉर्क की थ्रेट है, तो नाइट a5 ब्लैक खेल रहा है और यहाँ पे नाइट b6 अगेन काउंटर अटैक, फॉर्क भी है किंग c7। अब आपको वाइट टू प्ले एंड विन। अब आप यहां से विनिंग कैसे कंटिन्यू करोगे क्योंकि दोनों साइड काउंटर है। आप अगर उसकी क्वीन लेते हो तो ब्लैक भी आपकी क्वीन मार रहा है, आप अपना नाइट सेव करता है तो बाद में ब्लैक भी अपना नाइट सेव कर लेगा। तो सबसे बेस्ट मूव है क्वीन b4 वेटिंग मूव, उसके नाइट पे अटैक है। ब्लैक काउंटर में क्वीन c6 करेगा और यहां नाइट d5 और व्हाइट विंस द पीस आफ्टर किंग b8 सिंपल क्वीन टेक्स a5 विनिंग द पीस। अब देखो क्वीन टेक्स c4 पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहां पे क्वीन d8 पे अटैक करके बैठा है। इसके बाद क्वीन क्रॉस a5 और यहाँ पे सिंपल व्हाइट विंस। तो दोस्तों ये थी 2 गेम्स आज की,
नेक्स्ट गेम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और मैं आपको मेरी खेली हुई गेम हर बार की तरह अभी दिखा रहा हूं। दोस्तों यहाँ पे 2147 रेटिंग वाला प्लेयर के साथ में खेला था स्कैंडिनेवियन डिफेंस। आप लोग जानते ही हो मैंने बहुत सारे वीडियो स्कैंडिनेवियन के लिए बना रखे हैं, जिसने भी नहीं देखे वो आगे देख के इसमें गेम देख के एनालिसिस कर सकता है। e4 यहाँ पे वाइट प्लेड e4 e5 e5 में दोस्तों यहाँ पे डिक्लाइन लाइन, डिक्लाइन के लिए भी मैंने वीडियो बनाया है। यहाँ खेलना है c5 f4 f4 इसमें नाइट c6 नाइट f3 बिशप g4 बिशप e2 e6। सबसे पहले बात यह है कि इस गेम में टोटली पोजिशनल प्ले है, मैंने कंप्लीटली पोजिशनल खेला है, कोई सेक्रीफाइसल गेम नहीं है। बस पोजिशन मैंने ठीक ज़्यादा सोचा ही नहीं है, मतलब सिंपल इजी 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 विनिंग किया है। आप भी इजी विनिंग कैसे करते हैं इसमें आप देख सकते हो, बिशप टेक्स सब अपोनेंट को पोजिशन प्ले, मतलब नाइट g7 डेवलप का मूव है, वाइट d3 उसने भी बिशप को ओपन किया है, यहाँ पे क्वीन नाइट f4 ये नाइट f5 भी डेवलप वाला मूव है, इसके बाद क्वीन h4 की नेक्स्ट थ्रेट है चेक की। तो ये जो चेक आ रहा है उसको सेव करने का बेस्ट ऑप्शन है कैसलिंग, और क्वीन b6 अब डिस्कवर चेक की थ्रेट है यहाँ पे, तो वाइट ने उसे रिप्लाई दिया है किंग h2 यहाँ d4 और मैंने e3 को कंट्रोल किया है। पता है g4 आने वाला है, तो नाइट e3 बहुत ही बढ़िया मूव आएगा, बिशप टेक्स नाइट पॉन टेक्स बिशप, इसके बाद इसी पॉन की वजह से मैं गेम विन हुआ हूँ, क्योंकि मैंने देखा था कि पॉन थर्ड रैंक पे आ गया है। अब इसे अटैक के लिए क्वीन जब e2 आता है यहाँ पे बेस्ट रिप्लाई था नाइट d4। अब देखो क्वीन टेक्स पॉन पॉसिबल नहीं है, क्वीन टेक्स पॉन में नाइट c2 फोर्क आ रहा है, तो व्हाइट ने खेला है क्वीन g2 और यहाँ पे बहुत ही सरप्राइज मूव पॉन d2। अब देखिए यहाँ पे रूक को सेव करना जरूरी है, अगर बिशप टेक्स पॉन करते हैं तो भी नाइट टेक्स c2 और यहाँ पे रूक मिलता है फोर्स रूक, तो रूक g1 और यहाँ नाइट c2 आफ्टर क्वीन टेक्स पॉन नाइट टेक्स रूक, पूरे मूव्स एकदम सिंपल है। अब मेरा नाइट तो ऑलरेडी ट्रैप हो चुका है, मैं पीस प्लस हूँ रुक प्लस हूँ, तो नाइट देने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं नाइट को ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। नाइट टेक्स पॉन आफ्टर क्वीन टेक्स, क्वीन टेक्स में सिंपल हो जाता है, इसलिए व्हाइट ने पॉन से मारा, जहां पे रुक टेक्स पॉन और ये c4 ये एक बेस्ट मूव थी। मैंने सोचा था कि अगर रुक c1 आता है इस मूव के बाद तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि रुक c1 में सिंपल किंग भी मूव कर सकते थे और क्वीन f2 बहुत सारे मूव्स थे हमारे पास, इसलिए रुक c1 से डरने की जरूरत। पॉन टेक्स पॉन में सिंपल क्वीन मर रही है और नाइट टेक्स पॉन में क्वीन टेक्स भी थे हो रहा है, और सिंप्लीफाई होने के बाद देखो एकदम सिंपल, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें, हम सिंपल इसमें ज़्यादा दो पॉन प्लस है, गेम को जितना हो सके इतना इजी किया है। बिशप से रुक पे अटैक, अगर वो नाइट टेक्स बिशप मारता है तो सिंपल इक्वल एक्सचेंज, उसके बाद बिशप सेंट्रलाइज किया और फिर किंग को ऊपर लाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि रुक d7 पे अगर आता है तो हमें भी प्रॉब्लम होती है। तो किंग c7 डिस्कवर्ड में अब बिशप को पॉन से सपोर्ट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। आफ्टर नाइट अब यहाँ पे f6 जरूरी है, पॉन टेक्स पॉन वाइट नहीं कर सकता क्योंकि किंग टेक्स नाइट मर रहा है, तो नाइट f4 यहाँ पे पॉन टेक्स पॉन दूसरी मूव रुक से बिशप पे अटैक। अब देखिए ये बिशप को सेव करने के लिए रुक को वापस जाना पड़ रहा है, सिंपल बिशप से पॉन पे अटैक नाइट और यहाँ बिशप टेक्स पॉन चेक, रुक चेक और बिशप चेक, किंग ऊपर और फिर पॉन पुश, और यहाँ पे वाइट ने रिजाइन कर दिया क्योंकि सिंपल विनिंग है। आप देख सकते हो कि तीन पॉन अप हो चुके हैं धीरे धीरे और बिशप भी अटैक में है।
और दोनों रुख हम एक्सचेंज अप भी है, तो सिंपल क्लियरली विन है। अब क्लियर विनिंग करने के लिए इजी गेम खेलना जरूरी है, पोजिशनल प्ले। मेरी बहुत सारी गेम्स पोजिशनल प्ले भी है और बहुत सारी गेम्स अटैकिंग मतलब सेक्रीफाइस वाली भी है। आपको हर एक गेम वन बाय वन मेरे हर एक वीडियो में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय गुजरात।